बात नहीं मानते हैं। बेटे तीन प्रकार के होते हैं, पूत सपूत और कपूत। ध्यान देना, पूत कौन होता है? बाप ने कहा बेटा आज मेरे लिए कुर्ता लाना है, कपड़ा फट गया। बेटा गया बाजार से और ले आया, लो पिताजी। और सपूत कौन होता? जो बाप को कहना ना पड़े और बेटा देख करके समझ जाए और बाप की सेवा करे, बाप इशारा करे और बेटा समझ जाए, वो सपूत होता है। और कपूत कौन? बाप चिल्लाता चिल्लाता मर जाए फिर भी बेटा नहीं सुनता, वो कपूत होता। और जिस घर में कपूत पैदा हो जाए वो घर नर्क हो जाता है, उन माँ बाप का बुढ़ापा बिगड़ जाता है। बाप कहता बेटा ऐसा करो, बेटा सुनता ही नहीं। अरे जब बाप की नहीं सुनेगा तो किसकी दुनिया में सुनेगा? जो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता वो दुनिया में भगवान की भी नहीं सुन सकता है, ये बिल्कुल कंफर्म है। और जो बाप की आज्ञा मानता है उसी के ऊपर भगवान कृपा करते। और मैं व्यासपीठ से दावे से कहता हूँ, स्टाम्प पे लिखा लेना, और मैं ये भगवान के सामने, और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, उससे बड़ी कुछ बात नहीं कह रहा हूं। मुझे जिंदगी में कथा ना मिले, मैं सच कहता हूं, जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते, ऐसे बेटों का कहीं ठिकाना नहीं लगता। और जो माँ बाप की सेवा करते हैं उन बेटों के लिए कभी किसी प्रकार की जीवन में कमी नहीं रहती है, वही घर स्वर्ग होता है। प्यारे जीवन में माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। बहुत मन से समझना, अरे जो माँ बाप मंदिर मस्जिद हर पत्थर को पूजते हैं, एक मेरे बेटा हो जाए। और जब बेटा पैदा हो जाता है और वही बेटा गलत निकल जाए तो उस माँ बाप के हृदय पर क्या बीतती है? माँ बच्चों की ममता होती है, माँ अगर ना हो तो बच्चा का पालन पोषण कैसे हो? ध्यान देना, मैं सच कहता हूं, जब बच्चा छोटा होता 5 वर्ष का और बच्चे को कोई अगर पीट दे तो क्या कहता पता? माँ से कह दूंगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के लिए जज माँ है, सिपाही माँ है, सबसे बड़ी अदालत माँ है। उस बच्चे को ऐसा लगता कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। एक कोई भैया इन बच्चों को बीच से अलग कर दे प्लीज। जरा कथा पर ध्यान दें, सच बताना, जितने हमारे युवा भाई बैठे अगर मैं एक भी बात गलत बोल रहा हूं तो बोलना, सभी लोग बैठ जाएं प्लीज, कथा पर विशेष ध्यान दें, सभी लोग बड़े मन से समझें। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है, सच बताना, या 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, बच्चा पूछता माँ ये क्या है? तो माँ कहती बेटा ये पंखा है। फिर बेटा पूछता माँ ये क्या है? तो माँ कहती बेटा ये कूलर है। माँ बेटा फिर पूछता माँ ये क्या है? बेटा ये कूलर है। माँ फिर बताती बेटा जितनी बार पूछता माँ उतनी बार बताती। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अच्छा बन जाए, महान बन जाए। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता और माँ को बुढ़ापा आता और माँ पूछ दे, जब माँ को दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देने लगता, तब माँ पूछती बेटा ये क्या है? बेटा कहता माँ ये कूलर है। और अगर माँ ने दोबारा पूछ दिया बेटा ये क्या है, तो बेटा कहता बुढ़िया को दिखाई नहीं देता, दिमाग खराब कर दिया। सच बताना, जब तू छोटा था तू कई बार पूछता, माँ ने कभी कहा तुझसे ऐसा नहीं कहा?
तू जितने बार पूछता था माँ उतनी बार बताती थी, और जब तू बड़ा हो गया तो माँ को पागल समझने लगा। माँ को पागल कहता है क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे जैसी बुद्धि होती है, और उन माँ बाप को हम बुरा भला कहते हैं। प्यारे निवेदन है, हर बात को तुम ठुकरा देना, माँ बाप को कभी न भुला देना। ध्यान देना, हर चीज को ठुकरा देना पर माँ बाप को कभी मत भुलाना। माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है।